For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. आप सबको याद होगा कि फिल्म भारत में सलमान खान और दिशा पाटनी के बीच की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था। साथ ही दोनों के स्लो मोशन गाने ने भी सभी के दिलों में घर कर लिया था। इस फिल्म के बाद फैंस ने इन दोनों स्टार्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया और सभी को इनकी केमिस्ट्री को आगे बढ़ते देखना था। ऐसे में सलमान खान ने दिशा को अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई में भी रोल ऑफर किया और ये खबर सुनकर सभी फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। स्लो मोशन सॉन्ग की सक्सेस को देखते हुए कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर प्रभु देवा ने राधे फिल्म में भी सलमान और दिशा के बीच एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस रखा है, पर दिशा इस गाने के बारे में फिलहाल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। पर हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान दिशा ने सलमान खान के साथ एक और ईद रिलीज पर काम करने के बारे में अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, आई एम वेरी लकी एंड वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट ही गेव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। ही इज अ मेगा स्टार ऑफ द कंट्री एंड आई कुडंट बी हैप्पियर टू वर्क विद हिम अगेन। ही इज अ फैबुलस को-स्टार। वेल, दिशा के इस स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि वो सलमान खान के साथ काम करके काफी खुश है और अपने गाने को लेकर जो सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन की थी उसे देख कर ऐसा लग रहा है कि स्लो मोशन गाने की तरह राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का ये गाना भी सभी फैंस को इम्प्रेस कर ही देगा, है ना? हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहट एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। सलमान खान बॉलीवुड के यू नो मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर हैं और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जितने भी सोलो लोग हैं, सिंगल्स हैं, उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से आइडल हैं, ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं। वेल, और इस वक्त चल रहा है रोमांस का महीना, यानी कि फेब्रुअरी चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। आज है प्रपोज डे नहीं, आज है टेडी डे, जहां पर सभी लोग एक दूसरे को क्यूट क्यूट टेडी बेयर्स देने वाले हैं। लेकिन जहां पर सब तरफ चल रहा है रोमांस का महीना, यू नो लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं, जो सिंगल्स हैं वो बड़े परेशान हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्यों, क्योंकि फ़िलहाल सलमान खान लेकर आ गए हैं स्वैग से सोलो एंथम। यस, स्वैग से सोलो एंथम जो है आज लॉन्च हो चुका है। एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की प्रमोशन के लिए इस एंथम को बनाया गया है। कहीं ना कहीं तनिष्क बागची का म्यूजिक है एंड आई मस्ट से कि यूजुअली गाने बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब इस गाने की बात की जाए तो यू नो बहुत सारे एड्स आते हैं जिसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर इस गाने की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये जो एड एंथम है ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और रोमांस के महीने में, वैलेंटाइंस वीक में, स्वैग से सोलो एंथम को लॉन्च किया गया है। इससे ज़्यादा एक्साइटिंग बात नहीं हो सकती। और सलमान खान इसमें लिटरली कतल लग रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैंडसम, इतने ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग लग रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर वी हैव इन आर कंट्री इज सलमान खान, एंड हु बेटर देन सलमान खान टू सिंग द एंथम स्वैग से सोलो। तो मुझे ये एंथम बहुत पसंद आया। स्वैग से सोलो, हक से सोलो, और सिंगल रहो, मस्त रहो, ऐसा ही कुछ नारा है। मुझे ये एंथम बहुत ही पसंद आया। सलमान खान इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपने अभी तक देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा ये एड तो ज़रूर देखिए और ये सॉन्ग भी ज़रूर देखिए। This is Jyoti Naha, signing off. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। बिग बॉस में आज है वीकेंड का वार, और ये वीकेंड का वार ज्यादा स्पेशल इसीलिए है बिकॉज सलमान खान नजर आने वाले हैं अपने अनयूजुअल अवतार में। जी हाँ, और ये आखिरी वीकेंड का वार भी है, तो थोड़ा सा सैडनेस भी है। लेकिन उसके साथ साथ आज एपिसोड में आने वाले हैं आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता अपनी टीम के साथ प्रमोट करने शुभ मंगल और ज्यादा सावधान को। जी हाँ, और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि इस तरीके से सलमान खान टर्न्स इनटू अ पानीपुरी वाला। यस, नीना गुप्ता घर के अंदर एंटर होती हैं और सलमान खान से कहती हैं कि जो भी कोई आता है आप जरूर कुछ ना कुछ खिलाते हैं, मैक्रोन्स खिलाते हैं या कुछ ना कुछ, मुझे आप कुछ नहीं खिलाएंगे। ऐसे में सलमान खान जो है वे कहते हैं चलिए आपको भी कुछ खिला देते हैं, और इस बार अतरंगी अंदाज में सलमान टर्न्स इनटू पानीपुरी वाला। अब ये देखना तो सॉलिड मज़ेदार होने वाला है, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी इस फिल्म का बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है, इसलिए पानीपुरी का स्टाइल भी थोड़ा अतरंगी था। और इस फिल्म की प्रमोशन को इस शो पर देखना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटिंग होगा, सुपर डुपर फन होगा आज के वीकेंड का वार पर। उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। वेल वेल वेल, आसिम रियाज को सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे वोट्स आ रही हैं, लेकिन एक सपोर्टर ऐसा है आसिम रियाज का जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यस, वेल मैं बात कर रही हूँ जॉन सिन्हा की। वेल, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक, और
डेफिनेटली आसिम क्योंकि एक छोटे से बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस के घर में आने के बाद ये जिस लेवल की फैन फॉलोइंग अपनी बनाई है, ऐसे में जॉन सिन्हा का आसिम को सपोर्ट करना, हालांकि कनेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है फैंस को भी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव चीज है। मतलब सिर्फ बॉलीवुड तक की नहीं बल्कि बिग बॉस सीजन 13 का क्रेज जो है वो हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। जी हाँ, जॉन सिन्हा ने इससे पहले भी एक बार आसिम रियाज की फोटो डाली थी उस ड्रेस में, जिस ड्रेस में आसिम ने बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मारी थी, और फिर उस फोटो के बाद आज वापस से उन्होंने एक फोटो डाली है। वो काफी पहले की फोटो लग रही है और फोटो के नीचे अगर मैं बात करूँ तो फोटो में ही लिखा हुआ है #AsimRiyazForTheWin, आसिम फॉर द विन, एंड उसके नीचे लिखा है चेंज माई माइंड। अब ये कहीं ना कहीं जॉन सिन्हा ने एक और बार मैसेज दे दिया है दैट ही रियली 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 सपोर्ट्स आसिम रियाज एंड ही वॉन्ट्स हिम टू विन, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जॉन सिन्हा के हजारों करोड़ों लाखों फैंस हैं जो कि इस पोस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं आसिम को वोट्स करेंगे, एंड एवरी वोट काउंट्स। कुछ ही दिन बाकी हैं, वोट करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, बिकॉज आपका एक वोट भी फर्क कर सकता है। और जॉन सिन्हा के सपोर्ट से आई एम श्योर आसिम जब बाहर आएंगे तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट आसिम रियाज एंड जॉन सिन्हाज कनेक्शन वो क्या है, ये हम जल्द से जल्द पता लगा कर मैं आपको बताऊंगी जरूर। लेकिन तब तक के लिए दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। अब तो सारे लोग रेडी हो जाओ शहनाज गिल के स्वयंवर के लिए। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। बिग बॉस इस बार जब खत्म होगा, जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मेरी मॉम इतनी ज्यादा क्रेजी है बिग बॉस को लेकर कि खत्म होने के बाद वो समझ ही नहीं पा रही है वो करेंगी क्या। वेल जिसका हिंट सलमान खान ने दे दिया है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद भी कुछ जो है वो जारी रहेगा, और ये कुछ क्या है चलिए बताती हूँ आपको। वेल, जिस तरीके से कल सलमान ने हिंट, पिंच ऑफ हिंट किया, जहाँ पर सलमान ने कहा कि शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, एक स्वयंवर हो सकता है, तो ये खबरें बहुत टाइम से आ रही थी जिस तरीके से कि शहनाज गिल का जो है वो स्वयंवर रचा जा सकता है, जिसको होस्ट करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला होस्ट करते नजर आएंगे, और उसके साथ साथ शहनाज गिल जो होंगी उनके लिए एक प्रॉपर स्वयंवर रचा जाने वाला है, जहाँ पर आसिम और पारस जो है ये दोनों ही लोग ग्रूम्स जो आएंगे, जो कंटेस्टेंट आएंगे एज ग्रूम्स, उनको टिप्स देते हुए नजर आएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो लग रहा है ये सुनने में सुपर डुपर एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टेंशन ये हो रही है मुझे कि सना को अगर बाकी लोग अटेंशन देंगे तो सिद्धार्थ का क्या रिएक्शन होगा। अब ये देखना सुपर डुपर फन होने वाला है, सुपर डुपर एक्साइटिंग होने वाला है, और इसकी हिंट भी कल सलमान ने दे दी है कि 15 को भले ही बिग बॉस खत्म हो रहा है, लेकिन 16 छोड़कर 17 फरवरी से शायद शुरू हो जाएगा शहनाज गिल का स्वयंवर। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन कल सलमान ने जिस तरीके से हिंट दिया आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। अब इसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान की दोस्ती काफी गहरी है और सलमान अक्सर इस श्रीलंकन ब्यूटी को एडवाइस देते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस बार जैकी ने दी है सल्लू भाई को एडवाइस। जी हाँ, सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम करने के अलावा जैकी उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट द बैंक का भी हिस्सा है, और उनके साथ ग्लोब ट्रॉट करते हुए उन्होंने देखा कि सलमान हमेशा ही एक्टिव और अलर्ट रहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने शूटिंग्स और स्केड्यूल्स का भी बखूबी ध्यान रखते हैं, और साथ ही जब भी कोई उनसे मिलने उनके घर या सेट पर आता है तो वो उनके साथ ही समय बिताते हैं। ऐसे में नींद और सलमान का मानो आंख में चोली जैसा रिश्ता है। सलमान की एज फैक्टर को कंसिडर करते हुए और उनके हेक्टिक स्केड्यूल को देखते हुए जैकी ने कहा, सलमान इज ईदर ऑन अ फ्लाइट और ही इज ट्रैवलिंग टू द सेट ऑफ बिग बॉस और शूटिंग फॉर अ फिल्म एट एन इवेंट। ही इज ऑलवेज वर्किंग, ही नीड्स टू स्लो डाउन एंड स्लीप मोर। वेल, अपनी वेल विशर और क्लोज फ्रेंड की इस एडवाइस को क्या दबंग खान कंसिडर करेंगे या ऐसे ही अपने एक के बाद एक कमिटमेंट्स को पूरा करते रहेंगे? आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें जरूर बताएं। बिग बॉस के घर में आज होने वाली है बहुत ज्यादा डांट फटकार, कहीं ना कहीं लास्ट वीकेंड का वार होने वाला है ये, और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर पारस छाबड़ा से लेकर आसिम रियाज से लेकर रश्मि आरती माहिरा शहनाज सभी को सलमान से थोड़ी डांट आज जरूर पड़ने वाली है, हालांकि पड़नी नहीं चाहिए थी। सलमान ने पारस छाबड़ा को डांट लगाई है, वो भी बहुत जोर शोरों से, क्योंकि उन्होंने टास्क रुइन करने की कोशिश की। अगर आप हार जाते हो तो आप टास्क को कंटिन्यू करो, आप सामने वाले को वापस हराने की कोशिश करो, ना कि टास्क को रद्द कराओ। ये आपका पेशा बन गया है टास्क को रद्द कराना।
अगर आपको लगता है टास्क रद्द कराना ही सिर्फ सोल्यूशन है तो फिर कोई टास्क दिए ही नहीं जाने चाहिए बिग बॉस के जरिए। तो कुछ इस तरीके से सलमान खान ने खूब डांट फटकार लगाई है पारस छाबड़ा को, क्योंकि हमने हर बार देखा है पारस जो है वो हर बार इस तरह की चीज़ें करते हैं और टास्क कहीं ना कहीं रद्द कराने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं जीत रहे तो वो टास्क रद्द करा देते हैं। और इसी चीज़ पर सलमान ने डांट लगाई है कि सिर्फ वही नहीं, बिग बॉस की प्रॉपर्टी का भी लॉस किया उन्होंने, चीज़ें फेंकी जो टास्क के लिए प्रॉप्स भेजे गए थे उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर था वॉज नॉट करेक्ट, और इसी को लेकर सलमान खान ने खूब डांटा है पारस छाबड़ा को, जो कि हम आज देखने वाले हैं। सो हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस, कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। This is Jyoti Nahar, signing off.